हाय स्टूडेंट्स, मैं सी आर सी शर्मा, चेयरमैन वीएसआई जयपुर। आज आपसे डिस्कस करूंगा कि सीए इंटरमीडिएट जो मई 24 था उसका पेपर नंबर 5 है, ऑडिटिंग एंड एथिक्स। उसका पेपर कहां से बना है, किस सोर्स से बना है, और ये जानना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि अपन पढ़ाई क्या करें। आप लोग आईसीएआई का स्टडी मटेरियल भी आपके पास अवेलेबल है, और भी टेलीग्राम ग्रुप में और बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल है, लेकिन एक चीज ध्यान रखें, हमेशा आईसीएआई पेपर आईसीएआई के स्टडी मटेरियल से बनता है। तो मैं आज आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि मई 24 का जो पेपर है वो विद प्रूफ बताऊंगा कि आईसीएआई के स्टडी मटेरियल में कौन से पेज से मिला हुआ है। तो आप आईसीएआई का स्टडी मटेरियल पढ़ेंगे तो पास हो जाएंगे, क्वेश्चन बैंक्स के चक्कर में पढ़ेंगे तो ये मान लो कि पास होना बहुत मुश्किल है। और अक्सर जो बच्चे फेल होते हैं वो इसलिए होते हैं कि आईसीएआई का स्टडी मटेरियल पढ़ते नहीं है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं फालतू मटेरियल ज़्यादा पढ़ते हैं और वो क्वेश्चन एग्जाम में उनको मिलते नहीं है। तो ये विद प्रूफ जो पीडीएफ है वो वीएसआई के टेलीग्राम चैनल पर रहेगी, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके इस लिस्ट को देखें और मैच करें आप आईसीएआई के स्टडी मटेरियल से, और वीएसआई का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि आपको और भी पेपर्स का सोर्स या और भी यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। और अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा को इसका बेनिफिट मिले। और अब अपन देखते हैं, और अब एक काम और करना, आप लोगों के ये कैसा लगा इसका कमेंट जरूर डालना आप कमेंट बॉक्स के अंदर कि यूजफुल है कि नहीं है, जिससे कि हम आगे उसके साथ जो वर्किंग करें। अब देखो ये क्वेश्चंस जो है, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके 4 पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर ए है, 1A, ये आईसीआई के पेज नंबर 2.20 और 2.19 पे अवेलेबल है, यानी वो पढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब है कि इजीली कर दोगे। क्वेश्चन नंबर जो 1B है, ये आईसीआई के एसएम का पेज नंबर 5.54 पेज नंबर पे है, इसकी कंसेप्ट जिसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा 1C है, वो आईसीआई के एसएम का पेज नंबर 3.63 पे अवेलेबल है, या 3.63 पेज पर रखा है तो क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा। क्वेश्चन जो 1D है वो आईसीआई के एसएम में पेज नंबर 6.9 है, अगर किसी बच्चे ने 6.9 पेज नंबर पढ़ा है तो क्वेश्चन उसका ओके है। क्वेश्चन नंबर 2A है, वो आईसीआई एसएम का पेज नंबर 3.14 पे अवेलेबल है। इसका जो 2B है वो आईसीआई एसएम का पेज नंबर 4.74 पे अवेलेबल है। 2C है, ये पेज नंबर 1.14 पे अवेलेबल है, जिसने 1.14 पेज पढ़ लिया उसका क्वेश्चन ओके। जो 2D है वो ऐसे पेज नंबर 2.11 पे अवेलेबल है। सबको मैच करके देखना और देखना कि हमें ये मैटर पढ़ना चाहिए जबकि हम दूसरा मैटर पढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3A है, या ऐसे एसएम का पेज नंबर 2.5 पे है। 3B है, ये पेज नंबर 7.34 पे है। और ये 3C है, ये पेज नंबर 3.6 पे है। और 3D है, ये ऐसे का पेज नंबर 4.41 पे अवेलेबल है। यानी ये रेस्पेक्टिव पेजेज जो मैंने पेज नंबर बताए हैं, अगर ये पेज पढ़ रखा है तो क्वेश्चन पूरा सही होगा, उसका गलत होगा ही नहीं। 4A है, वो आईसीएसएम का पेज नंबर 4.30 पे है। 4B है, वो एसएम के पेज नंबर 8.64 है। 4C है, वो एसएम के पेज नंबर 5.84 है। और जो इसका डी पार्ट है, ये आईसीएसएम का पेज नंबर 5.103 पे है। क्वेश्चन 5A पेज पॉइंट 5.15 पे। क्वेश्चन नंबर 5B है, ये पेज पॉइंट 5.58 पे है। 5C है, ये पेज 11.6 और 11.7 दो जगह अवेलेबल है ये। और इसका जो डी है फिफ्थ का, वो पेज नंबर 8.8 पे अवेलेबल है। 6A है, पेज नंबर 11.33 पे है। इसका जो अदर पार्ट है अल्टरनेटिव, वो पेज नंबर 9.28 पे है। 6B है, वो 10.29 पेज नंबर पे है। 6C है, वो 7.27 पे है। 6D है, वो 9.54 और 9.55 पेज पे है। पूरा का पूरा पेपर ऐसे एसएम से हैं, बाहर से कहीं से नहीं है। बहुत सारे बच्चे मेरे को कहते रहते हैं कि यार क्या मालूम इतना पास्ट एग्जाम क्वेश्चन पढ़ते हैं वहाँ से आ जाए, तो जो वहाँ भी आएगा लेकिन आईसीएसएम का आंसर चाहिए। इसलिए आप लोग ये आप देखो, और भी बाकी सब्जेक्ट्स का, इंटर का, फाइनल का मैंने यूट्यूब चैनल पे लगा रखा है, टेलीग्राम चैनल पे ये उसकी पीडीएफ अवेलेबल है, तो आप वहाँ से देखें और उस चीज़ का बेनिफिट लें और टू द पॉइंट मैटर पढ़ें, आईसीएआई का स्टडी मैटर पढ़ें, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकें और अच्छा रिजल्ट ला सकें। थैंक यू।